बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, जब हम इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करते हैं या रैंकिंग चेक करते हैं, तो दुनिया में रहने के लिहाज से, अच्छी ज़िंदगी देने के लिहाज से जो बेस्ट कंट्री आता है, उनमें से एक नॉर्वे आता है। प्रोडक्टिव कंट्री होने की वजह से, सेम लाइक जर्मनी, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। आपको याद होगा, आज से तकरीबन 15 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि नॉर्वे को जो है बस ड्राइवर्स की ज़रूरत है। तो इसी तरह की एक नई जो है वो उसने यूरोपीय यूनियन और ख़ास तौर पे स्पेन में रहने वालों के लिए कुछ जॉब्स अनाउंस की हैं, जिसमें जो लिंक मैं आप लोगों से शेयर करूँगा वो स्पेनिश ज़बान में है। वहाँ पर मिस्त्रियों का कहा गया है, नर्सिस का कहा गया है, इसके पास अलावा चेपिस्ता एक जॉब है उसके लिए कहा गया है। कुछ और कैटेगरीज में उन्होंने लोगों को मांगा है, जो कि 60,000 से 80,000 यूरो सालाना उनकी तनख्वाह होगी, और माहाना जो है वो तकरीबन 4,400 यूरो से 7,000 यूरो बनती है। डिपेंड करता आपके एक्सपीरियंस पे, डिपेंड करता आपकी जॉब प्रोफेशन पे। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ये तमाम जॉब्स परमानेंट तौर पे आपको उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो परमानेंट तौर पे नॉर्वे में शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि वाजी तौर पे लिखा है कि ये जॉब्स उनके लिए हैं जो परमानेंट वहीं पे रहना चाहते हैं, वहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अब आप जानते हैं कि यूके का रास्ता बंद हो चुका है, हमारे लोग जो हैं जिनको अब नेशनलिटी मिल रही है उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इस उससे भी ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ तब हैं जब इन प्रोफेशंस में से कोई भी उनका प्रोफेशन होगा। तो इस वजह से लाजमी तौर पर जो जो एलिजिबल हैं वो इससे फ़ायदा उठाएँ, इसको अप्लाई करें, और इसको अप्लाई करने के बाद इस पर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो पूरी अगर कर सकते हैं तो करने के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि नॉर्वे जैसा मुल्क जो है, अगर वहाँ पे आपको काम के साथ साथ रहायश का तमाम तरीकाकार और तमाम चीज़ें पहले ही दिन मिल जाती हैं, तो ये आपकी खुशकिस्मती होगी। यहाँ पे अगर बात करें कंपेयर टू सवाई ज़बान के, ज़बान अगर नॉर्वेजियन आपको नहीं भी आती तो वहाँ पे इंग्लिश जो है वो इसी तरह बोली जाती है जैसे उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है। सिर्फ और सिर्फ ज़बान के अलावा अगर कंपेयर किया जाए तो दुनिया का, इंग्लैंड बाकी मालिक को छोड़ें, इंग्लैंड कनाडा यूएसए को इवन अगर आप छोड़ें, फिर भी अगर रैंकिंग में और लिविंग स्टैंडर्ड में देखेंगे तो नॉर्वे जो है दुनिया का बेस्ट कंट्री है। हर साल, हर दूसरे साल यूएनओ जो रिपोर्ट शाया करती है उसमें कई सालों से नॉर्वे जो है वो सबसे अच्छा मुल्क के तौर पे लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से आ रहा है। दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, आप वहाँ पे रीड करें उसको तमाम को, हर चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट, सैलरी, एक्सपीरियंस, क्या तरीका का आ रहा है, तमाम चीज़ें वाजे हैं। आप खुद क्लिक करें, रीड करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपके जहन में क्वेश्चन हो वहीं पर आपको तमाम मालूमात मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसमें आपको कवर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।